देख बिना ब्रेक डाउनलोड तक ऐप। ताइवान में आम चुनाव के आए नतीजों के बाद चीन पूरी तरह से बौखला गया है। बार बार चीन ताइवान को तिब्बत की तरह हड़पने की धमकी दे रहा है। वहीं चीन से निपटने के लिए ताइवान ने भी अपनी तैयारियां शुरू कर दी है। चीन की ओर से सैन्य कार्रवाई की धमकी मिलने के बाद ताइवान ने अपनी सैन्य शक्ति को परखना शुरू कर दिया है। चीन से निपटने के लिए ताइवान बड़े पैमाने पर सैन्य अभ्यास कर रहा है। ये युद्ध अभ्यास न सिर्फ जमीन पर बल्कि हवा में भी हो रहा है। इस सैन्य अभ्यास में तोप और टैंक लेकर लड़ाकू विमानों तक को शामिल किया गया है। ताइवानी मीडिया के मुताबिक इस सैन्य अभ्यास का मकसद चीन की फौज को मुंहतोड़ जवाब देना है। दरअसल पिछले हफ्ते ताइवान की जनता ने राष्ट्रपति चुनाव में चीन के मंसूबे पर पानी फेर दिया था। चीन के समर्थन वाले उम्मीदवार खान वो यी की करारी हार हुई थी, जबकि ताइवान के राष्ट्रपति साई इंग वेन ने जोरदार जीत के साथ दूसरा कार्यकाल हासिल कर लिया था। राष्ट्रपति साई चीन के साथ नजदीकी संबंधों का विरोध करती आई है। दरअसल चीन ने हांगकांग की तरह ताइवान को भी कुछ दिन पहले एक देश दो व्यवस्था वाला राजनीतिक फॉर्मूला दिया था, लेकिन ताइवान ने इसे खारिज कर दिया, जिसके बाद चीन ने ताइवान पर कब्जे की बात की है। अब देखना होगा कि चीन के हमले के बाद ताइवानी सेना कहां तक मुकाबला कर पाती है।